आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले और दूसरे दिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में चुने गए सांसद अपने पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद से वे सदन के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। कई सांसद ऐसे हैं जो पहली बार सांसद पद की शपथ लेंगे। सांसद बनने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को सांसद को मिलने वाली सुविधाएं मिलने लग जाएंगी और वो आम से खास लोगों की गिनती में आ जाएंगे। 18वीं लोकसभा में संसद में पहुंचे सांसदों में अधिकतर सांसद वो हैं जो पहली बार सांसद बने हैं। बता दें कि सदन में 52% सांसद पहली बार संसद पद की शपथ लेंगे। ये कुल 280 सांसद हैं। अकेले उत्तर प्रदेश से 45 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद पहुंचे हैं। वहीं महाराष्ट्र से 33 सांसद पहली बार चुने गए सांसद हैं। सांसद चुने जाने के बाद मोटे तौर पर सदस्यों को सैलरी के साथ कई भत्ते, यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन, पेंशन आदि सुविधाएं दी जाती हैं। 11 मई 2022 की सैलरी और भत्ते में किए गए बदलावों के अनुसार सांसदों को 1,00,000 रुपये सैलरी दी जाती है, जिसके अलावा घर पर मीटिंग को लेकर हर दिन के 2,000 रुपये अलाउंस के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा सांसद को सदन सत्र, कमेटी की मीटिंग आदि अटेंड करने के लिए ट्रैवल की सुविधा दी जाती है। इसके लिए सांसदों को सत्र में आने और जाने के ट्रैवल का पैसा दिया जाता है। अगर कोई सांसद सत्र में 15 दिन से कम दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहते हैं तो ट्रैवलिंग के पैसे मिलते हैं। इसके अलावा सांसदों को कुछ यात्राओं के लिए रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच में फ्री यात्रा मिलती है और परिवार को लेकर भी कुछ नियम हैं। इसमें कुछ यात्राओं में परिवार के सदस्यों को भी छूट मिलती है। वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप के सांसदों को स्टीमर की सुविधा दी जाती है। ट्रैवल को लेकर छूट की कई शर्तें हैं जिनके अनुसार सांसद को छूट मिलती है। इसके साथ ही हर सांसद को अपने साथ ऑफिस कार्यालयों के खर्च के लिए भी पैसे मिलते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हर सांसद को 20,000 रुपये भत्ता, 4,000 रुपये लेखन सामग्री के लिए, 2,000 रुपये पत्रों के लिए, स्टाफ के लिए पैसे दिए जाते हैं। वहीं टोल में छूट के लिए हर सांसद को 2 फास्टैग दिए जाते हैं, जो एक दिल्ली और एक उनके क्षेत्र की गाड़ी के लिए होता है। इससे वे बिना टोल के यात्रा कर सकते हैं। साथ ही सांसद को कई ऐसी जगह एक्सेस या प्रोटोकॉल मिलता है जहां से आम आदमी को दूर रखा जाता है। अगर टोटल देखें तो सांसद को सैलरी में 1,00,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 70,000 रुपये भत्ता, कार्यालय खर्च के लिए करीब 60,000 रुपये और दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस, घर मेडिकल की सुविधाएं अलग मिलती हैं। सांसदों को घर उनकी सीनियरिटी को देखकर दिए जाते हैं। बता दें कि इन सांसदों में जो मंत्री होते हैं उन्हें अलग सुविधाएं मिलती हैं। अगर पेंशन की बात करें तो कोई भी सांसद कितने भी दिन तक सांसद रहे उन्हें हर सत्र के हिसाब से हर महीने 22,000 रुपये पेंशन और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अगर वो दूसरे सत्र में भी सांसद रहते हैं तो उन्हें अगले सत्र की भी पेंशन मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।